मुद्दों पर आधारित राजनीति की बात आप लोग करते हैं, और खासतौर पर मैं आपसे जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछूंगा, आप बतौर युवा सांसद आपकी पूरे देश भर में पहचान है, और मैं जितने साल से आपको देख रहा हूं या कवर भी कर रहा हूं ऐसे भी कह सकता हूं, तो जितने भी जो युवा सांसद है क्रॉस पार्टी, हर पार्टी में आपके मुरीद है, आपके चाहने वाले हैं, तो ये बताइए, अखिलेश यादव भी सांसद हैं, संसद में मुलाकात तो होगी, लेकिन यहां पर इतने आक्रामक आप अखिलेश यादव पर दिख रहे हैं हमें, क्योंकि मैं जब भी देखता हूं आपकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो आप रोज हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा नारा गढ़ते हैं कि वो बात जरूर चुभती होगी अखिलेश यादव को। देखिए, अंतर इतना ही है कि अखिलेश जी के राज में दंगे होते थे, योगी जी के राज में दंगल होते हैं। वो दंगों को बढ़ावा देते थे, हम खेलों को बढ़ावा देते हैं। वहां अपराधी माफिया गुंडों को शरण मिलती थी, हम उनको जेल में स्थान देते हैं। मुजफ्फरनगर से मऊ के दंगे वालों की सफाई करने का काम किया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। काशी का अभूतपूर्व विकास किया है तो मोदी योगी जी ने किया है जी, और ये आगे भी करते रहेंगे। अनुराग जी, ये बताइए, क्योंकि आप संगठन को भी देख रहे हैं यहां पर बतौर सह प्रभारी के नाते, और देखिए उत्तर प्रदेश में 2014-2017 ये जो दो चुनाव और 2019 का चुनाव भी, और मैंने बड़े करीब से इन तीनों चुनावों को देखा, आप लोगों ने यहां पर जो जीत की आधारशिला रखी है यूं कहें, तो उसमें आपके जो गठबंधन के सहयोगी थे उनकी बड़ी अहम भूमिका थी, लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर आपके साथ नहीं, हालांकि डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी यहां बैठे हैं, ये आपके साथ हैं, तो आपको लगता है कि जो गठबंधन से चले गए उनका कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? देखिए, हर कोई चाहता है परिवार बड़े भी, साथी और जुड़े भी, और हमें प्रसन्नता है अनुप्रिया पटेल जी हो, संजय निषाद जी हो, अपना दल और निषाद पार्टी दोनों ने ही एक पूरे गठबंधन दल के रूप में बड़ी भूमिका भी निभाई है, प्रचार प्रसार भी इकट्ठे मिलकर किया है, और ये एनडीए का गठबंधन भाजपा और सहयोगी दल फिर एक बार इतिहास उत्तर प्रदेश में रचेंगे, क्योंकि यूपी को जो गति पिछले 5 वर्षों में मोदी योगी जी के नेतृत्व में मिली है जी, इसकी निरंतरता रखनी बहुत जरूरी है। किसी भी राज्य और किसी भी देश के विकास के लिए निरंतरता होनी बहुत जरूरी है। ये कॉन्टिन्यूटी के कारण ही उत्तर प्रदेश आगे बढ़ पाएगा जैसे देश आगे बढ़ा है। देखिए, माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर मोदी जी गए थे तो ऑपरेशन गंगा के माध्यम से यूक्रेन से हजारों विद्यार्थियों को सुरक्षित निकालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। और हम अपने सहयोगी गठबंधन के साथ कह सकते हैं, हम लोग एजेंडा तय करते हैं कि ये करना है, इस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास करना है जी। मछुआरे भाई हैं, अब उनको बोट खरीदनी होगी तो 40% सब्सिडी मिलेगी, मछली के सीड होंगे, बीज होगा तो उस पर 25% सब्सिडी मिलेगी, दूध उत्पादन के लिए 1,000 करोड़ का फंड अलग बनाया गया है, किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल और टैंक बनाने के लिए 10,000 करोड़ का अनुदान देने का अलग से प्रावधान किया है, और 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोल्ड स्टोरेज और बाकी सब सुविधाएं बनाई जाएंगी। गन्ना खरीद 14 दिन में उसका भुगतान होगा, विलंब होने पर ब्याज समेत भुगतान होगा, ब्याज दिया जाएगा जी। और इसी तरह से MSP की खरीद हमने 1.5 गुना दाम पहले दिया है, दुगनी खरीद करके दिखाई है, अब आगे इसको और मजबूत करने का काम हम करने वाले हैं।